आज मैं आप लोगों को क्लास 5 के लिए हिंदी पढ़ा रही हूँ। चैप्टर 7 डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। तो पूरे बुक को मैं पढ़ा रही हूँ, आप मेरे साथ साथ वीडियो में भेज दूँगी, सो आप पढ़ेंगे। ओके, शिमला की माल रोड पर जनरल स्टोर पोस्ट ऑफिस है। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छाटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे खिड़की से गुनगुनी धूप छानकर आ रही है। इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी की बात की। यही बातचीत आगे दी जा रही है। किस प्रकार से हम लोग एक दूसरे से जब वार्तालाप करते हैं और जब किसी का बातचीत करते हैं तो वो किस तरह से किया जाता है, बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। ओके, शिमला सबसे पहले होगी, शिमला के है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कंवर सिंह है। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में कुछ बताइए। मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियाँ और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी है, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी में लकड़ियाँ लाते हुए गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती है? जो ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती है। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं है, पहाड़ी जगह है ना। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक, तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है और बेटा 10वीं में पढ़ता है। फिर देखिए, जहां आप जहां काम करते हैं वहां आपके अलावे और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था, अब मैं पैकर बन गया हूँ। पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? मुझे बहुत कुछ करना होता है। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाना होता है। क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन गांव में तो आज भी वही संदेश पहुंचाने का काम सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, या भला कैसे? ये क्वेश्चन हुए। सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है, हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपए में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। ओके बच्चों, समझ में आ रही हैं?
आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो आता ही होगा। मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचाता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं, जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादी और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों का पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी दी जाती है। बच्चों, किसी का हेल्प करना, आपको या मुझे, सभी को बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, हेल्प करना अच्छी बात है ना, राइट बच्चों? तो आप भी कभी कभी छोटी छोटी हेल्प किया कीजिएगा, देखिएगा आपको बहुत सुख मिलेगा। आप क्या शुरू में इसी डाकघर में कर रहे हैं? शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति जिले के किब्बड़ गांव में 3 साल तक नौकरी की। यह हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है। इसके बाद 5 साल तक इसी जिले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की है। उस वक्त इस गांव में टेलीफोन नहीं थे, बसें भी सिर्फ मुख्यालय तक ही जाती थी। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां ना तो बस जाती है और ना वहां टेलीफोन है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। ये तो बच्चा सच है बच्चों। आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। हाँ, मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं किन्नौर जिले के मुख्यालय रिकांग पीओ में नौकरी करता था, तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था और रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। बच्चों, ऐसे भी पोस्टमैन का काम बहुत ही कठिन काम होता है। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर, लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे जिले में हैं। इन जिलों में अप्रैल महीने में बर्फबारी हो जाती है। बर्फ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो बाइट हो जाते। स्नो बाइट एक प्रकार की बीमारी है, वो बर्फ से होती है, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां सड़ जाती है। इन जिलों में मुझे एक बार से दूसरे घर तक, एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता है। सोचिए बच्चों, कितनी भारी मुश्किल की काम है। तब भी हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए पोस्टमैन सर्दी में, गर्मी में, हर मौसम में डटे रहते हैं काम के लिए। तो बच्चों, सीखना चाहिए इन लोगों से। हमारे लिए, देश के ऐसे बहुत लोग हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभी 6-7 घर ही होते हैं, इसलिए चलना काफ़ी पड़ता है। चलना तो खैर हमारी आदत में ही शामिल हो चुका है। ग्रामीण डाकिये की जिंदगी में तो चलना ही चलना है। आपने बताया था कि पहले आप डाक सेवक थे, अब पैकर है, इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या? पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं, बस एक इम्तिहान पास करना पड़ता है। अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन काफ़ी कम होता रहता है। सारा दिन कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज़्यादा होता है। पैकर का वेतन बाबू के जितना ही हो जाता है। अब तो डाकिये की नौकरी में लगना भी बहुत मुश्किल हो चुका है।
हम में से जितने डाकिये रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इसमें पुराने डाकियों पर काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ना जाने आने वाला समय कैसा होगा। बच्चे काफ़ी दुखी हैं ये। काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो, एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। यह 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 का समय था। बाहर में किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है, जवाब आया दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। ओहो, मैंने पूछा क्यों पीट रहे हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता ना चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। मेरे सिर पर कई टाके लगे थे, उसकी वजह से आज भी मेरी एक आंख से दिखाई नहीं देता। अब बच्चों समझ में आ रही है कितनी मुश्किल भरी उनकी ज़िंदगी होती है। सरकार ने मुझे जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कहता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ। किन्होंने लिखा है पता है? प्रतिमा शर्मा। तो बच्चों आपको मैं बहुत अच्छे से आपको मैं पढ़ कर बताई। आप भी ये चैप्टर को 7 को घर में 2-3-4 टाइम्स रीडिंग पढ़ेंगे। यदि जो वर्ड आपको नहीं समझ में आएगी आप मेरा वीडियो चला देंगे, चला के आप उसके साथ साथ पढ़ेंगे तो आप पढ़ना सीख जाएंगे अच्छी तरह से। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्लास में इसकी बाकी चीज़ें मैं दूंगी। ओके, बाय।